नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का डिज़ाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 22 फंदे डाल दिए हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना दिया है। अब हम इस लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, क्योंकि डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होगा, तो हम पहले लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब ये लास्ट फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे, तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर दिया। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऐसे ऊन लपेटेंगे और उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना है। अब नेक्स्ट 5 फंदों को हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 5 फंदे को हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे को नॉर्मली उल्टा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 फंदे जो लपेटे हुए थे उन्हें भी हम उल्टा बुनेंगे। जैसे उल्टा बुना और इसे खोल लिया, 1 उल्टा बुना खोल लिया। जब हम इसे उल्टा बुनेंगे तो ये अपने आप ही खुलता चला जाएगा। तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए, और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन दूसरी ओर इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा 2 लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में हम फिर वापस अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर पूरी लाइन हम उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट फंदे को ऊन दूसरी ओर करेंगे, इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का 5वां लाइन है। तो 5वें लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद ये जो पहले हमने 5 फंदे लपेट के बुने थे उन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5
और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे नॉर्मली उल्टा बुना था, तो अब की इस लाइन में इन पांच फंदों को हम सलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब जहाँ पे हमने पिछली बार डिज़ाइन बनाया था वहाँ पे हमें नॉर्मली उल्टा बुनना है। और जहाँ पे हमने नॉर्मली उल्टा बुना था वहाँ पे हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। लास्ट फंदा उल्टा। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का छठा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और अब हमें शेष सभी फंदों को उल्टा बुनना है। लपेटे हुए फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे, खोलते जाएंगे सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। लपेटे हुए फंदे को हम उल्टा बुनते जाएंगे और खोलते जाएंगे। तो देखिए इस तरह ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो हमारा ये छठा लाइन कंप्लीट होता है। लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। सातवीं लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हर दो लाइन बुनने के बाद हमें कलर बदल देना है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का आठवां लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बनके तैयार है। 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है। इन्हीं 8 लाइनों को दोहराने से ऐसे डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार होता है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।